देर इज प्रूफ कि सोच से फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं सोच से सेहत चेंज हो सकती है सोच से, से रिश्ते बनते हैं सोच से प्रकृति पर असर पड़ता है आज जो हम प्रकृति की चीज़ें देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज नाउ द ओल साइंटिफिक कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सेंग हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट हाउ टू सेव द प्लानट लोगों ने स्टैटिस्टिक्स देने शुरू कर दिए हैं कि इस प्लैनेट की सरवाइवल कितने साल की है इस रेट के ऊपर तो अब उसके लिए पानी सेव कर रहे हैं वेरी गुड प्लास्टिक खत्म कर रहे हैं वेरी इम्पोर्टेंट लेकिन ये सब कुछ सक्सेसफुल तब होगा अगर साथ साथ यहाँ को बदला जाएगा क्योंकि क्लाइमेट प्लानट नेचर यहाँ से बन रही है यहाँ से हमने यहाँ से पानी सेव किया लेकिन यहाँ से तनाव और नफरत और दुख को ख़त्म नहीं किया प्रकृति सतोप्रधान सात्विक नहीं बन पाएगी हमें प्रकृति को सात्विक बनाना है उसके लिए अपनी सोच को सात्विक बनाना होगा तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को खत्म करने के लिए वातावरण में से इमोशनल पोल्यूशन को खत्म करना है जब हम यहाँ से संस्कार को बदलते हैं सोच को बदलते हैं तो उसका बेनिफिट सिर्फ हमें नहीं मिलता है उसका बेनिफिट कहाँ कहाँ पहुँचता है कहाँ कहाँ पहुँचता है बॉडी को दूसरे लोगों को एनवायरमेंट को फ्रॉम ह्योर यू कैन चेंज द वर्ल्ड अगर आप एक बार गुस्सा करते हैं आपका गुस्सा पूरे विश्व के वाइब्रेशन में रेडिएट करता है कोई लोग आज कह रहे हैं इतना वायलेंस क्यों है इतना टेरर क्यों है उसका रीजन ये है क्योंकि मेजॉरिटी मन के अंदर टेरर चल रहा है जब मेजोरिटी मन गुस्सा कर रहे होंगे तो फिजिकल रूप में विश्व में टेरर तो आएगा ही आएगा आप अपने मन से काम विकार को हटा दीजिए सृष्टि पर जो काम विकार के गलत काम हो रहे हैं सारे खत्म हो जाएंगे आज छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि मन पर काम विकार है मेजोरिटी के मेजोरिटी क्योंकि हम वैसी बातें सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं देख रहे हैं देर इज लस्ट ऑन आर माइंड इफ देर इज लस्ट ऑन बिलियंस ऑफ माइंड्स देन देर विल बी अब्यूज एंड रेप इन सोसाइटी इफ वी वॉन्ट टू फिनिश दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू फिनिश दैट प्योरिफाई योर माइंड डू नॉट वॉच रीड लिसन एनी कॉन्टेंट लाइक दैट

कलयुग बनाने में किस किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया सत्योग बनाने में कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा But. ये सिंपल इक्वेशन है जिम्मेवार हमारी जिम्मेवारी है सृष्टि को बदलना अगर आज हम में से एक एक जना एक गुस्से की आदत को छोड़ता है वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग पीस इन द वर्ल्ड शांति चाहिए ना दुनिया के अंदर हमने क्या कहा था अभी हमने कैसी दुनिया देखी जहाँ पीस है जहाँ हैप्पीनेस है जहाँ यूनिटी है जहाँ हारमनी है ऐसी वाली दुनिया देखी ऐसी वाली दुनिया बनाना बहुत ईजी है सिर्फ क्या करना है अपनी यहाँ की दुनिया के अंदर पीस हैप्पीनेस यूनिटी हारमनी ले आइए लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट करना यहाँ स्ट्रेस एंगजाइटी फियर एंगर रहेगा लेकिन दुनिया में पीस हैप्पीनेस यूनिटी इज नॉट पॉसिबल संकल्प से संकल्प से सिद्धि संकल्प से सृष्टि बनती है द वर्ल्ड इज अ क्रिएशन ऑफ आर थॉट्स चेंज योर थॉट टू चेंज द वर्ल्ड द वर्ल्ड विल नॉट चेंज आर थॉट्स आर थॉट्स विल चेंज आर वर्ल्ड तो अपनी भाषा को सोच को हाई वाइब्रेशन का बनाते हैं चाहे कितनी भी बात हो हमारी सोच कैसे होगी सामने वाले का संस्कार कैसा भी हो आपके साथ कोई है जो रह रहा है काम कर रहा है जिसका संस्कार थोड़ा कड़क है चेंज नहीं हो रही आदत बार 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 ऐसा करते रहते हैं उनको दुआ दो दुआ दो मतलब उनके लिए हाई हाँ वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करो सपोज किसी के अंदर संस्कार हो रोज लेट आते है। प्यार से एक्यूरेटली रोज लेट आते फिर हम उनको कौन सी दुआ दे सकते हैं हमने बिजी को कौन सी दुआ दी इजी किया टाइम नहीं है को कौन सी ब्लेसिंग दी मेरे पास बहुत टाइम है लेट आता है कोई क्या ब्लेसिंग देंगे हाँ जी आज एक दिन ये जल्दी आया आज एक दिन क्यों करेंगे सिर्फ संकल्प ध्यान से करना है संकल्प सिद्ध हो जाएगा अगर आप कहेंगे आज एक दिन जल्दी आया तो एक दिन जल्दी आएगा सिर्फ क्या संकल्प करेंगे उनके लिए दुआ करो क्या संकल्प करेंगे उनके लिए ये रोज ये रोज टाइम से पहले पहुंच जाते हैं कर सकते हैं आप ऐसा संकल्प उनके लिए कैन यू क्रिएट दिस थॉट फॉर देम और नो सच है या झूठ है लेकिन ये बात सच है या झूठ है ये झूठ है वो लेट आ रहे हैं वो लेट आ रहे हैं लेकिन हमने सिद्धि जो सिद्धि क्रिएट करनी है उसका संकल्प करना है जो रियलिटी है फ्लावर मुरझाया हुआ है थॉट नहीं क्रिएट करने के मुरझाया हुआ है जो बनाना है वो थॉट क्रिएट करने हैं, वो लेट आ रहे हैं रियलिटी है संकल्प क्या करना है वो आत्मा पंक्चुअल है रोज बिफोर टाइम आ जाते हैं कम एवरी डे बिफोर टाइम सोचते जाओ बोलते जाओ भेजते जाओ सोचते जाओ बोलते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ आपको लगता है वो टाइम पे आना शुरू कर देंगे किस किस को लगता है वो टाइम पे आना शुरू कर देंगे विच मीन्स वी हैव द पावर टू चेंज नॉट ओनली आर संस्कार वी हैव द पावर टू चेंज वी हैव द पावर टू चेंज देयर संस्कार इतना ध्यान रख लिया तो वो भी बदल जाएंगे हम भी बदल जाएंगे नहीं ध्यान रखा तो रोज़ बोला जब देखो लेट आते हैं जब देखो लेट आते हैं ये तो लेट ही आते रहेंगे भगवान भी नीचे आ जाए ना इनको टाइम पे नहीं ला सकता वो इन्होंने तो लेट वन वन लाइन इज लाइक लो 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 वाइब्रेशन प्लीज़ रिमेंबर दुआ कभी कभी नहीं करने है ब्लेसिंग कभी कभी नहीं एवरी डे तो अपने संस्कारों के लिए दूसरों के संस्कारों के लिए अपनी हेल्थ के लिए दूसरों की हेल्थ के लिए अपने काम के लिए दूसरों के काम के लिए अपने रिश्तों के लिए दूसरों के रिश्तों के लिए और इस दुनिया के लिए हमारी हर थॉट कैसी हो हमारी हर थॉट कैसी हो अब अगर हमारे अंदर कोई संस्कार है तो अब उसके लिए भी हमें करना है जब हम सेंटर पर पहली बार आते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं तो परमात्मा पहली लाइन हमें देते हैं आई एम अ प्योर सोल होते नहीं है प्योर सेकेंड लाइन देते हैं आई एम अ पीसफुल सोल वो भी नहीं होते हम तीसरी लाइन आई एम अ हैप्पी सोल चौथी लाइन आई एम अ लवफुल सोल मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं पवित्र आत्मा हूं शक्तिशाली आत्मा हो प्रेम स्वरूप आत्मा हो होते नहीं है हैं वो कहता है ऐसा ही सोचो और ऐसा ही बोलो करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं पहले टेन परसेंट शांति थी धीरे धीरे क्या होने लगती है ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी दिस इज द पावर ऑफ एनर्जी एंड पावर ऑफ वाइब्रेशंस संकल्प से डेस्टिनी बनती है तो कोई भी अपना संस्कार ले लीजिए जिसको आपको चेंज करना है एनी नेचर एनी हैबिट अगर आपके अंदर कोई आदत है कोई खाने पीने की चीज की जिसको आप छोड़ना चाहते हैं या आपके घर में आप चाहते हैं कि कोई छोड़ दे कोई एडिक्शन हमारी छोटी सी गलती क्या होती है हम घर के सारे लोग मिलकर बोलते हैं इसकी तो ये आदत छूटती नहीं है ही और शी इज अडिक्टेड ऐसी दुआ नहीं देना कभी किसी को क्या बोलेंगे हम उसकी जगह क्या बोलेंगे हम उसकी जगह दुआ देंगे कैसे देंगे क्या बोलेंगे पावरफुल सोल सबसे पहले पावरफुल सोल पावरफुल सोल आई एम अ पावरफुल सोल शी और ही इज अ पावरफुल सोल ये हर चीज जो खाते पीते हैं वो सात्विक है और ये जो आदत छोड़ना चाहें एक सेकेंड में छोड़ सकते हैं क्योंकि ये पावरफुल आत्मा है सोचते जाओ बोलते जाओ क्रिएट करते जाओ भेजते जाओ उनको शक्तिशाली बनाते जाओ वो अपनी एडिक्शन अपने आप छोड़ देंगे हमें नहीं छुड़वानी होती उनसे वो अपने आप छोड़ेंगे हमें उनको शक्ति देनी है सिर्फ वी हैव टू गिव पावर टू पीपल अराउंड अस तो अब अपने जीवन की किसी भी सिचुएशन के लिए चूज कर लीजिए वेदर इज योअर नेचर हेल्थ बॉडी का कोई भी पैरामीटर नॉर्मल नहीं है शुगर ब्लड प्रेशर थाइरॉयड कोलेस्ट्रोल कोई भी चीज़ डू नॉट से इट फ्रॉम टुडे कि ये नॉर्मल नहीं है स्टार्ट से ये स्टार्ट सेंग के ये नॉर्मल है हेल्थ मेरी परफेक्ट है बॉडी मेरी परफेक्ट है और हमेशा रहेगी अपने लिए भी ऐसा बोलो औरों के लिए भी ऐसा सोचो रिश्तों में अगर किसी के साथ नहीं बनती तो आज से बोलना शुरू करो हमारा रिश्ता हमारा रिश्ता परफेक्ट है वी एक्सेप्ट इच अदर वी लव इच अदर माई फैमिली इज यूनाइटेड हमारे घर में स्वर्ग है स्वर्ग है सोचते जाओ बोलते जाओ वाइब्रेशन भेजते जाओ यहाँ की गांठें खुल जाएंगी यहाँ की गांठें खुल जाएंगी यहाँ की गांठें खुल जाएंगी और यहाँ की गांठें खुल जाएंगी सिर्फ सोचने के तरीके से थॉट्स चार चीज़ें क्रिएट कर सकती हैप्पीनेस हैप्पीनेस हेल्थ हेवन, हैप्पीनेस, हेल्थ हारमोनी हेवन, ध्यान नहीं दिया आज क्या क्रिएट कर दिया डिप्रेशन डायबिटीज डिवोर्स डिस्ट्रक्शन चारों जगह पर अफेक्ट होगा अगर यहाँ की सोच चेंज हो गई तो. तो हम उस तरफ लेके गए थे हम उसको वापस इस तरफ लेकर आएंगे सिर्फ अपनी सोच को बदल के सुबह पहली थॉट हमारा संकल्प राइट होना चाहिए ये होते हैं हमारे अपने पर्सनल मंत्र जो हम बनाते हैं हमारे संकल्प अफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन तो जो आपने थॉट क्रिएट कर लिया अपने लिए अपनी बॉडी के लिए अपने लोगों के लिए और अपने काम के लिए सुबह उठकर उसको अच्छे से बोलना है और बोलते हुए उसको देखना है कि ये ऐसा है दिस इज रियालिटी फिर दिन में हर एक घंटे के बाद एक मिनट पॉज इसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड बहुत सुंदर फ़ोन पे ऐप है जो एक घंटे के बाद वन मिनट का म्यूज़िक बजता है और जब वो वन मिनट का म्यूज़िक बजता है हम स्टॉप करते हैं पॉज करते हैं और अपने उस थॉट को रिपीट करते हैं फिर रात को सोने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है रात को सोने से पहले अपनी हाई एनर्जी थॉट्स क्रिएट करके वो अफर्मेशन करके उसको विजुअलाइज करके सो जाओ आप रात को सोने से पहले कह दो मेरा ये दर्द हो रहा है मेरा वो दर्द हो रहा है आप देखेंगे सुबह जब आप उठेंगे तो वो दर्द बढ़ा हुआ होगा क्योंकि छः घंटे रात को वो थॉट उस बॉडी के पार्ट को जाती है मेरा दर्द हो रहा है मेरा दर्द हो रहा है आप रात को सोने से पहले कहो ये वाला पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है फ्लेक्सिबल है स्मूथ है सोते सोते लास्ट थॉट वो होनी चाहिए छः घंटे वो थॉट अपना काम करती है वाइब्रेशन अपना काम करती है तो सुबह रात को हर एक घंटे के बाद एक मिनट एंड ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टाइम जब हम खाना खाते हैं या पानी दूध चाय कुछ भी पीते हैं टेन सेकेंड जब हम पॉज करते हैं खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करते हैं उस समय याद के साथ ये एक थॉट भी डाल देते हाई एनर्जी थॉट उसमें डाल दो परमात्मा को याद करके हाई एनर्जी थॉट डाल के जब हम खाना खाएंगे या पिएंगे तो वो सारा खाना और पानी एनर्जाइज हो जाएगा इट विल बी हाई वाइब्रेशन फूड एंड वाटर एंड दैट विल हैव अ डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑन आवर माइंड क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी इसीलिए इसीलिए जब कुछ लोगों की एक तरह की वाणी होती है उस शहर के पानी में वो वाइब्रेशन आ जाती है और बहुत जल्दी पूरे शहर की वाणी वैसी बनने लग जाती है इट इज़ हैपन्स थ्रू द वॉटर एंड द फूड ऑफ द सिटी इसलिए हर जगह की अपनी अपनी वाणी होती है तो पानी वाणी पे असर करता है अन्न मन पर असर करता है और उसमें हर एक में अगर हमने ये वाइब्रेशन थॉट्स डाल दी हमारे मन की स्थिति कांस्टेंट स्टेबल हो जाएगी और जब वैसा होगा तो डेस्टिनी वो बन जाएगी जो हम चाहिए थी हैप्पीनेस पीस यूनिटी हारमोनी लेकिन वो क्रिएट हमने करना है तो हर एक अपनी चीज़ चूज कर लीजिए और अभी उसको कर लेते हैं मेडिटेशन में क्रिएटिंग द थॉट कोई भी अपनी एक सिचुएशन देख लीजिए अपने मन की अपनी हेल्थ की अपने वर्क की कोई काम बहुत टाइम से रुका हुआ है कोई बिजनेस बार बार ट्राई किया फेल हुआ तो हमारी भाषा बन जाती है मैंने बहुत बार किया फेल हुआ नहीं फिर संकल्प से सिद्धि हो जाएगा क्या संकल्प करेंगे उसकी जगह क्या संकल्प करेंगे उसकी जगह सफलता सफलता निश्चित है सक्सेस इज सर्ट इनफॉर्मे माई एवरी थॉट इज अ ब्लैसिंग माई एवरी वर्ड इज़ अ ब्लैसिंग हाई एनर्जी थॉट्स एंड वर्ड्स क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाता है नेचुरल हो जाता है इट बिकम्स अ नेचुरल वोकेबलरी अगर हम रोज़ सुबह एक घंटे के लिए ज्ञान को स्टडी करें मतलब हाई वाइब्रेशन कॉन्टेंट को अपने अंदर डालें जब ज्ञान अंदर जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज जब अंदर जाती है वो एक वोकेबलरी है और वो वोकेबलरी जब अंदर जाती रहती है रोज़ तो पता ही नहीं चलता वो हमारी वोकेबलरी कब बन जाती है तो अगर हम सुबह सुबह स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने अंदर डालते हैं और उस पर मेडिटेट करते हैं मतलब परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उसको इंटरनलाइज करते हैं सारा दिन वो हमारी भाषा बन जाती है एंड जो चीज हमारी भाषा बन जाती है वही चीज हमारा भाग्य बन जाती है वही चीज हमारा भाग्य बनेगी तो सुबह सुबह के कंटेंट पर ध्यान रखना है जो अंदर जाता है हम में से किस किस को लगता है कि मीडिया की क्वालिटी से हमारी भाषा बदल जाती है आजकल बदलती है ना फ्रेंड्स से हमारी भाषा बदलती है जैसी बातें हमारे दोस्त करते हैं फ्रेंड्स करते हैं कलीग्स करते हैं हम भी वैसी बात करना शुरू कर देते हैं होता है या नहीं होता भाषा इसी तरह जब सुबह सुबह हम एक घंटा ज्ञान सुनते हैं उससे भी हमारी भाषा बदल जाती है क्योंकि हर लाइन के ऊपर कोई मेहनत नहीं कर सकता है उसको नेचुरल कर लेना है तो ब्रह्मा कुमारी में हम क्या करते हैं हम सब घर पे रहते हैं काम करते हैं जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं बच्चों को संभालते हैं फैमिली को संभालते हैं लेकिन एक घंटा अपने लिए रखते हैं वन आवर आवर माई टाइम ओनली वन आवर वो वन आवर में हम अपने आप को नरिश करने के लिए सेंटर पर आते हैं ज्ञान अंदर जाता है मेडिटेशन करते हैं रिमेनिंग ट्वेंटी थ्री आवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेवा ड्यूटी एवरीथिंग फॉर द वर्ल्ड लेकिन डेस्टिनी चेंज होने लगती है बिकॉज सुबह का वन आवर सेल्फ के लिए होता है एंड दैट्स वेन द प्रायरिटी बिकम्स सेल्फ फैमिली एंड देन वर्ल्ड बीज बीज से ट्रंक ट्रंक से वृक्ष ऑर्डर राइट हो जाता है हम में से कोई भी आज अपना फोन चार्ज करे बिना घर से नहीं निकलता है राइट right? और आजकल तो सुबह चार्ज करके भी नहीं होता दिन में बीच बीच में और अब तो अपने बैग में ही रखते हैं साथ में किस किस के पास साथ में पावर बैंक अपने साथ ही होता है अब हर जगह इसका मतलब सुबह एक बार चार्ज करने से भी नहीं चलता अब जिस चीज को जितना ज्यादा यूज करना है उतना ज्यादा उसको चार्ज करना पड़ता है थोड़े दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छी कोटेशन पढ़ी उसमें लिखा था एवरी वन नीड्स टू मेडिटेट फॉर ट्वेंटी मिनट्स एवरी वन नीड्स टू मेडिटेट फॉर ट्वेंटी मिनट्स बट दोज हुट हैव टाइम नीड टू मेडिटेट फॉर वन आवर मीनिंग अच्छा ना मीनिंग अच्छा ना मतलब जो जितने ज्यादा व्यस्त हैं मतलब जितना अपना मन को ज्यादा यूज करते हैं उनको मेडिटेशन थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा